स्वागत आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। और आज मैं सुबह खाना झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। मैं सुबह ही बहुत जग गई थी और इधर मैं खाना चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि आज नाश्ता और कुछ नहीं बनाऊँगी, बस खाना ही बना लूँगी, क्योंकि बच्चे भी कल थे नमक में ही खाए थे, तो एक बार खाना ही बना देती हूँ। और इधर मैं अभी कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि दाल भात चावल के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे कढ़ी चावल राजमा चावल ज़्यादा बढ़िया खा लेते हैं, तो कढ़ी चावल ही बना देती हूँ मैं, इसलिए कल दही रख दी थी। और देखती हूँ और क्या बनाऊँगी, आलू गोभी की भुजिया बना दूँगी, पकौड़े वकौड़े देखती हूँ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ये तो बनाऊँगी ही। चलिए फटाफट पहले मैं कढ़ी बना देती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक बच्चे जगेंगे तब तक कढ़ी बन जाएगी, फिर और आगे बनाऊँगी। और इसके पापा का भी आने का टाइम हो गया है, इसके पापा का भी, तो उधर मैं चाय भी पानी भी रखती हूँ चाय के लिए। और एक बार तो मैं सुबह उठ के चाय पी ली थी, क्योंकि मुझसे नहीं रह जाता ब्रश करने के बाद, मुझे चाय चाहिए ही, तो मैं एक बार उठ के पहले चाय पी ली थी। फिर इसके पापा का आने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं किचन की खिड़की से देख रही थी भैया आ गए हैं, तो आ ही जाएंगे। फिर तब तक मैं चाय भी रखती हूँ, क्योंकि वो भी आए हैं नीचे से ठंड से, तो उनको भी चाय चाहिए। चाय बना लेती हूँ और आ भी गए ससी के पापा, आ भी गए, बस 2 मिनट लगता है नीचे से आने में, 2 से 3 मिनट लगता है, तो आ गए वो, क्योंकि सुबह की चाय की तलब सबको रहती है। और आज मौसम भी खराब हो रहा है, आज फिर सुबह से बादल लग रही है, तो मौसम फिर खराब हो रहा है, तो देखिए ऐसा ही मौसम लग जाए या बारिश लगे। वैसे तो कह रहे हैं 18 को बारिश लगेगी, बादल तो आज लग रही है। सुबह घर पे आते ही ड्यूटी से चले गए फ्रेश होने के लिए, इधर तो चाय चढ़ा ली थी और चाय भी बन गई है, जब तक मैं आया फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके, और देखिए गर्मा गर्म चाय, सुबह सुबह चाय की प्याली हो हाथ में, वो भी ठंड के समय में बहुत ही मज़ा आ जाता है पीने में आनंद, वो भी अदरक वाली चाय हो। चलिए मैं चाय पी लेता हूँ। इधर मैं अब भुजिया काट ले रही हूँ, आलू गोभी की भुजिया बनाऊंगी, अब पकौड़े बनाऊंगी, आलू बैंगन और गोभी की पकौड़े बनाऊंगी। और उधर कढ़ी चढ़ा दी हूँ, कढ़ी हो रही है बड़ी, तड़के तो मैं तभी निकाल ली थी, थोड़ी कढ़ी उबल जाए उसके बाद उसमें बड़ी डाल देंगे। और देखिए कढ़ी बन गई मेरी, ऊपर से फिर से मैं तड़का लगा दी थी, आलू गोभी की भुजिया बना ली हूँ, और चावल चढ़ा के रखी हूँ, चावल चढ़ा के रखी हूँ, और पकौड़ा काट के रखी हूँ, पकौड़ा तो बाद में करूँगी मैं, और तब तक पोछा लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि मैं सुबह पोछा नहीं लगाई थी, पोछा लगा ले रही हूँ। मौसम तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, जैसे लग रहा है बारिश लगेगी, थोड़ी बहुत तो सुबह जो भी धूप देख रही थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं धूप देख रही है, पूरा बादल बादल हो गया है, अब बारिश लगी है चाहे जो हो। चलिए मैं पहले फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, तब तक इधर चावल बन जाएगी तो पकौड़े तल लूँगी मैं। पहले मैं बेसन खोल दी हूँ पकौड़े के लिए, क्योंकि पकौड़े का बेसन थोड़ा मतलब घुल जाता है, अच्छी तरह से फूल जाता है, तो पकौड़ा अच्छा बनता है। बेसन खोलने के बाद अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ, पोछा बस इसी रूम में लगाऊंगी, क्योंकि उस बाहर में उस रूम में पूरा कल मैं लगा दी थी, तो उतना गंदा नहीं होता है, तो बस इस रूम में लगा के। और मौसम भी आज बहुत ठंडा है, तो ये तो गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे छोड़ दो, पर मुझे बिन पोछा लगाए पूजा करने में नहीं बनता है, तो मैं पोछा लगा दूंगी इस रूम में, क्योंकि इस रूम में पूजा करना है मुझे, तो बस इस रूम में पोछा लगा के। आज मैं नमक डाल के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं नमक डाल के एक बार वीकली पोछा लगाना चाहिए, तो आज मैं नमक डाल दी हूँ, लाइजोल नहीं डाली हूँ। और ये देखिए पकौड़ा बन के मेरा तैयार हो गया। आज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, गलती ये हो गई, जो आज नमक खाना था
तो मैं पकौड़े में नमक नहीं डाली, मैं नमक डालना भूल गई। मैं पोछा लगा के चले गई फटाफट नहाने के लिए, फिर नहा के आई, पूजा करके आई पकौड़ा तलने के लिए, तो नमक डालना ही मैं भूल गई इसमें। मैं थोड़ा सा अभी इसके पापा टेस्ट किए पकौड़ा, तो कह रहे इसमें तो नमक ही नहीं है। तो चलिए अब क्या किया जाए, तब तक सारा पकौड़ा हो गया था मेरा, तल गया था, और इधर चावल भी बन गया था, चावल भी तैयार हो गया था। इसमें मैं काला नमक और चाट मसाला डाल के और कटोरे में अच्छी तरह से मिला दूंगी। अंदर तक तो नहीं जाएगा, पर ऊपर ऊपर से थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। इधर आंवला उबाली हूँ मैं चटनी बनाने के लिए, तो इसके साथ भी हम लोग खा लेंगे। अब क्या किया जाए, नमक खाना था तो नमक भी डालना मैं भूल गई, तो हो जाती है कभी कभी ऐसे गलती। तो चलिए मैं निकाल देती हूँ खाना फटाफट, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है। आज मैं सिर्फ आंवला की चटनी बना रही हूँ और कुछ नहीं डाली हूँ, हरी मिर्च और डाली हूँ और कुछ नहीं, धनिया पत्ता। और आज खाना निकाल दे रही हूँ, खा लेंगे सब, खाना बन ही गया है। दे देती हूँ पहले बच्चों को, दे देती हूँ खाने के लिए। सस्सी बैगन का पकौड़ा नहीं खाता, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको नहीं दी हूँ मैं, डुगू को दे दी हूँ। ये लो पानी साइड करो। खाना कैसी बनी है? टेस्टी अच्छी बनी है, नमक सिर्फ पकौड़े में नमक नहीं है। खाना तो हमारा हो गया और कढ़ी चावल थोड़ी सी बच गई है, तो मैं जानबूझ के ही थोड़ा ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। तो शाम में मैं फिर इसको गर्म कर दूँगी चावल को, तो बच्चे खा लेंगे दोबारा उनको जब भूख लगे, क्योंकि अभी हम खाना अभी हम लोग थोड़ा जल्दी खा लिए, खाना के टाइम से पहले हम लोग खाना खा लिए हैं, तो बच्चे खा लेंगे फिर दोबारा जब उनको भूख लगेगी। तो चलिए इसको, और मैं दे जाती हूँ आप बर्तन धो लेने के लिए। बर्तन धोने का मन तो नहीं कर रहा, पर जा रही हूँ बर्तन धो लेने के लिए फटाफट। किचन थोड़ा साफ कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँगी। रात का खाना हमारा हो गया, और रात के खाने में मैं हल्का ही बनाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह सब खा लिए थे, फिर जो चावल और कढ़ी रह गया था बच्चे वो शाम में खा लिए थे, तो इसलिए ज़्यादा खाना मैं नहीं बनाई थी। और ये भी जा रहे हैं ड्यूटी, क्योंकि इनका भी ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो ये भी जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभ रात्रि।